हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल 2020, यानी आज 4 अप्रैल 2020 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 1961 द डोनेशन ऑफ पीएम केयर्स फंड ग्रांटेड विद 100% एग्जेम्पशन, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की किस सेक्शन के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड में डोनेशन करने पर 100% का एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है सेक्शन 80Z, यानी इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 80Z के अंतर्गत यदि पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया जाता है तो 100% का एग्जेम्पशन मिलेगा। पीएम केयर्स की बात करें, ये एक न्यूली क्रिएटेड पब्लिक फंड है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, यदि इसके अंदर आप फंड को डोनेट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80Z के अंतर्गत 100% का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड वर्थ $100 million इन इंडिया INX ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म, यानी किस बैंक ने इंडिया INX के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म में $100 million के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया INX के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म में $100 million के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। अब बात करते हैं हम ग्रीन बॉन्ड की। देखिए, ग्रीन बॉन्ड एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो क्लाइमेट और एनवायरमेंट प्रोजेक्ट में फंड को इन्वेस्ट करके फंड को रेज किया जाता है। ओके, जिससे कि कंट्री में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। यानी कह सकते हैं ग्रीन बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड है जो एनवायरमेंट और क्लाइमेट सपोर्ट के लिए फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। इस ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत आपको टैक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं, साथ ही साथ टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव COVID-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा COVID-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये किया है आरोग्य सेतु, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव COVID-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। ये जो ऐप है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन करके इस ऐप को डेवलप किया है। देखिए, ये जो ऐप है आपको एंड्रॉयड वर्जन और iOS वर्जन पर अवेलेबल होगा, और इस ऐप के अंतर्गत आपको 11 लैंग्वेज प्रोवाइड की गई हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी लैंग्वेज इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको GPS और ब्लूटूथ बेस्ड ऐप है जिसको आप डाउनलोड करने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो यानी एवरी स्टेट के जो हेल्पलाइन नंबर हैं आपको इस ऐप पे मिलेंगे, और साथ ही साथ आप इस कोरोना आउटब्रेक से अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हो उसके लिए भी आपको इसके अंदर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रपोज टू बाई नोबल कॉन्ट्रेप्शन पोर्टल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, यानी किस स्टेट ने नोबल कॉन्ट्रेप्शन पोर्टल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को परचेज करने के लिए प्रपोजल रखा है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को परचेज करने के लिए एक प्रपोजल दिया है। देखिए, ये जो पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, ओके, इसके माध्यम से जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ओके, और ये जो पोर्टल है ये पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, इसको डेवलप किया है पर्सोनेल ऑफ नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकोमोटिव क्रिएटेड बाय चितरंजन लोकोमोटिव्स इन फाइनेंशियल ईयर 20 दैट हैज बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव ने फाइनेंशियल ईयर 20 में दो लोकोमोटिव्स को क्रिएट किया है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कितने लोकोमोटिव्स को क्रिएट किया है, तो ये किया है 431, यानी 431। यानी कह सकते हैं कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने इंडियन रेलवे को 431 लोकोमोटिव क्रिएट करके दिए हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक में रजिस्टर्ड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, चितरंजन लोकोमोटिव एक वर्क्स है जो वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश है, उसने इंडियन रेलवे को 431 लोकोमोटिव इंजन प्रोवाइड किए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड वायु शूट टू कीप मेडिकल पर्सोनेल सेफ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19, यानी निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 के कॉन्ट्रैक्ट के मेडिकल पर्सोनेल को सेफ रखने के लिए वायु शूट को डेवलप किया है।
तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? ये किया है DRDO ने। देखिए, जब कोई मेडिकल स्टाफ COVID-19 के पेशेंट को ट्रीट करता है तो पर्सनल स्टाफ की या डॉक्टर्स को सेफ रखने के लिए वायु शूट को डेवलप किया है। तो ये किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी DRDO ने इस वायु शूट को डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण जाधव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी, यानी प्रवीण जाधव ने किस कंपनी से MD एंड CEO की पोस्ट से रिजाइन दिया है? तो ये दिया है पेटीएम से, यानी पेटीएम मनी के जो MD एंड CEO हैं प्रवीण जाधव, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दिया है। अब बात करते हैं हम, देखिए पेटीएम की, तो पेटीएम के फाउंडर या प्रेसिडेंट हैं विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है पेटीएम मनी के जो MD एंड CEO हैं प्रवीण जाधव, उन्होंने रिजाइन दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज एडवाइज द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल, यानी किस मिनिस्ट्री ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को एडवाइस किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लिमिटेड रजिस्ट्रेशन BS4 व्हीकल को इम्प्लीमेंट किया जाए? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स को एडवाइस किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो BS4 व्हीकल्स हैं उनके लिमिटेड रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एडवाइस जारी की है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को, जिससे कि जो स्टेट हैं या जो यूनियन टेरिटरी हैं वह लिमिटेड BS4 व्हीकल्स को ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, दिल्ली और NCR रीजन्स को छोड़ते हुए। ओके, देखो कोरोना वायरस के चलते एंड ऑफ द मार्च कोई भी व्हीकल्स को सेल आउट नहीं किया गया, तो जो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनसोल्ड जो BS4 व्हीकल्स हैं उनका 10% व्हीकल्स को आप लॉकडाउन के बाद 10 दिन के अंदर सेल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज स्वॉर्न एज द परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परमानेंट जज हाई कोर्ट के किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस राजनेश ओसवाल, यानी जस्टिस राजनेश ओसवाल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट का परमानेंट जज अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट फॉर मूवमेंट ऑफ मेडिकल एंड इसेंशियल सप्लाईज अक्रॉस इंडिया, यानी किस मिनिस्ट्री ने लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट को लॉन्च किया है जो इंडिया में मेडिकल एंड इसेंशियल सप्लाईज को प्रोवाइड करेगा? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट को लॉन्च किया है जो 37.63 टन मेडिकल कार्गोज को इंडिया में सप्लाई करेगा 6 डेज के अंदर। ओके, देखिए COVID-19 का एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट को लॉन्च किया है जो 26 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, और ये जो फ्लाइट थी ये ओनली 6 डेज के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके अंतर्गत 74 फ्लाइट ने हिस्सा लिया। ओके, जिन्होंने करीब 70,000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट किया जिसमें 37.63 टन मेडिकल डिवाइसेस हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया। ओके, और इसके अंदर टोटल 74 फ्लाइट थी, उनमें से 56 फ्लाइट एयर इंडिया ग्रुप ने ऑपरेट की। ओके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मेडिकल इशेंशियल्स हैं इंडिया में ट्रांसपोर्ट की जाएं, मतलब इंडिया के रिमोट एरियाज में, जिसको कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफिशियंट तरीके से पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और इसके सेक्रेटरी हैं प्रदीप सिंह खरोला। ओके, अगला क्वेश्चन है, टॉनी लुइस द मैन बिहाइंड DLS मेथड पास्ड अवे इन अप्रैल 2020, DLS मेथड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टॉनी लुइस ने जो DLS जो मेथड है उसमें काफी योगदान दिया, तो ये अप्रैल 2020 में इनकी डेथ हो गई। तो आपको बताना है जो DLS मेथड है ये किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? तो ये है क्रिकेट से, यानी कि जो टॉनी लुइस हैं इन्होंने डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड के पीछे काफ़ी इनकी रिसर्च है और इन्होंने इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज़ किया, यानी जो लिमिटेड ओवर के जो क्रिकेट मैच हैं यदि उस पर यदि मौसम का इफेक्ट पड़ता है तो डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड के माध्यम से उसका डिसीजन लिया जाता है। ओके, डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉनी लुइस का काफ़ी योगदान है। ये 78 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। इनका जन्म 25 फरवरी 1942 को बॉस्टन लंकशायर यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच टेनिस टूर्नामेंट विच वॉज कैंसल 134th एडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वार, पहली बार किस टूर्नामेंट का 134वें एडिशन को कैंसिल किया है?
तो ये किया है विंबलडन ओपन। देखिए विंबलडन ओपन का जो 134वां एडिशन है उसको कैंसिल कर दिया है। ये पहला टूर्नामेंट है जिसको कैंसिल किया गया है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, यानी विंबलडन ओपन का 134वां एडिशन को कैंसिल किया गया है वर्ल्ड वार टू के बाद। ये ऐसा पहला टूर्नामेंट है जिसको कैंसिल किया गया है। देखो इसको कैंसिल इसलिए किया गया है कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है तो उसको देखते हुए कैंसिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फाउंड दैट अ मिक्सचर ऑफ थ्री क्वासी सस्पिशियस ऑफ सार्स कोवी टू यानी कोविड-19 इन सर्कुलेशन इन इंडिया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने थ्री क्वासी सस्पिशियस सार्स कोवी टू कोविड-19 इंडिया में सर्कुलेट किया है? तो ये किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये स्टेट किया है कि जो थ्री क्वासी सस्पीशियस का जो मिक्सचर है उसको इंडिया में सर्कुलेट किया जाए। ओके, और जो साइंटिस्ट हैं इस सार्स कोवी टू के जो वेरिएंट्स हैं इसको इंडियन स्ट्रेन्स के माध्यम से क्लासिफाई किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑफ फॉर द ईयर 2020 एज पर यूएन देशा यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी कि यूएन देशा के अनुसार जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है 2020 की वह कितनी है? तो यह है 1%। यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के अनुसार वर्ष 2020 की ग्लोबल ग्रोथ रेट 1% है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट मॉडल को एस्टिमेट किया है जिसमें ग्लोबल की जो इकोनॉमी है उसको 1% पे लाया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। इससे पहले ये जो इकोनॉमी थी ग्लोबल इकोनॉमी इसको 2.5 फोरकास्ट किया गया था। यानी यूनाइटेड नेशन ने कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज को देखते हुए जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको 1% किया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 अप्रैल के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।